असा तवां खे नवाजी भेलो भेलो केंदो खे इते बिजो इते बिजो इते बिजो या नालो खुछा बाबा रोजे वाले जे जे केने मुरी दयो मु हेत्र मसोया ता के वेरो भेलो केर बने उठे केर बने उठे साइड ला बिस्मिल्ला कमले कमले बस 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 सबसे पहले भाई मैं कोई होने करो मैं ये कहना चाहूंगा कि सब बैठ गए पीर साहब बगारा की जमायत का खुद दीदार करना चाहता हूं, इसलिए जो रुकावटें हैं बीच में कैमरा वाले सब बैठ जाए, मैं एक एक फकीर को देख सकूं, एक एक मोहब्बत करने वाले को देख सकूं। मैं आपके मुर्शिद पीर पगारों का सिपाही सालार हूं और आप सबका दुख सुख देखकर आपके मुर्शिद को जाके बताऊंगा। पीछे वाले भी अगर बैठ जाए तो कुर्सियों वाले देख सकेंगे और मैं उनको देख सकूंगा। मुझे बड़ी खुशी हुई और फखर महसूस हुआ थर के बबर शेरों में आकर, थर के लोग चाहे जमायत हो या सोबती हो, मुसलमान हो या दूसरी मजहब से ताल्लुक रखने वाले सारी ब्रदरी के लोग हो, सारे हुर हो और बॉर्डर्स की हिफाजत करते हो, दुश्मन को मुंह देते हो, फौज की मदद करते हो और हिंदुस्तान को फतह करने का इरादा रखते हो, हिंदुस्तान के शहर दिल्ली पर अपना झंडा लहराने का जज्बा रखते हो, अगर तुम लोग मुत्तहद हो जाओ तो सिंध में हुकूमत कायम करना तो बहुत छोटी सी बात है, तुम लोग पूरा हिंदुस्तान फतह कर सकते हो। मैं आज इस जमीन पर खड़ा होकर तुम सबके सामने अरबाब साहिबान को खुली दावत देता हूं कि आ जाए जीडीए तो एक अलायंस था, आ जाए पीर पगारा की पार्टी में मुस्लिम लीग में और मिलकर खिदमत करें। अरबाब साहिबान को हम दिल की गहराइयों से दावत देते हैं कि वो पीर पगारा की क्यादत में आकर सिंध क्या पूरे पाकिस्तान की हुकूमत कायम करे। अरबाब साहब का घराना शरीफ खानदानी और ईमानदार, उनके ऊपर कोई ना करप्शन का केस, ना उनके ऊपर जायदादें बनाने का केस, ना हराम का माल, एक शरीफ अल्लाह वाले लोग हैं, हम उन्हें दावत देते आ जाए। और कराची जाते साथ अरबाब रहीम साहब से भी, अरबाब गुलाम रहीम साहब से मैं मुलाकात करके उन्हें भी दावत दूंगा, जाकर रूबरू दावत दूंगा कि वो पीर साहब की पार्टी में आकर। अगर हम सारे हम ख्याल एक हो जाते हैं तो कोई करप्ट सूदखोर सिस्टम डाकू कोई कुछ नहीं कर सकेगा, कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकेगा। हमारे एक हो जाने से
अल्लाह ताला इतनी बरकत डालेगा, इतनी बरकत डालेगा कि हम शुक्र अदा करते करते थक जाएंगे। आप सब मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे बीच में अल्लड़ फकीर भी बैठा हुआ है। कुर्बान अल्लड़ फकीर है, अल्लड़ फकीर ये हुम्मा हुम्मा करने वाला अल्लड़ फकीर भी बैठा हुआ है। ऐसे जिंदा लोग, ऐसे जिंदा दिल लोगों को देखकर भी दिल खुश होता है। आप लोगों के अंदर आकर हमारा हौसला और ज्यादा बढ़ जाता है। इंशाअल्लाह हम पूरे सिंध का पीर साहब की तरफ से दौरा करके रहीम यार खान तक और डेरा मुराद जमाली तक सारा दौरा करके तफसीली रिपोर्ट पीर साहब को पेश करेंगे। और हमें यकीन है इंशाअल्लाह आपका मुर्शिद पीर साहब पगारो भी आपके पास जरूर जाएगा। हमारा और पाकिस्तान की फौज का मंशूर एक है, पाकिस्तान की हिफाजत बॉर्डर।